नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सीधी पेशाब कांड में आरोपी प्रवेश शुक्ला केंद्रीय जेल रीवा से जमानत मिलने के बाद रिहा। सीधी के पेशाब कांड मामले में NSA के तहत की गई थी कार्रवाई। उच्च न्यायालय जबलपुर में आरोपी के परिजनों ने लगाई थी याचिका। केंद्रीय जेल रीवा में एक वर्ष के अनुबंध में थे अवरुद्ध। सीधी का पेशाब कांड जो देश प्रदेश एवं विश्व में अपनी सुर्खियां बटोरी थी। आदिवासी पीड़ित दसवंत रावत के चेहरे पर पेशाब करने का वीडियो हुआ था वायरल। आज अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के लोग आपसे मुलाकात किए हैं। जी जी। जिस तरह से आपके द्वारा आपके ऊपर कार्रवाई की गई है, आरोपी के ऊपर NSA की कार्रवाई की गई आनंद फानंद में, आपका घर जो है बुलडोजर से ध्वस्त किया गया जी। इसके बारे में आप आगे किस ओर जो है तो कदम बढ़ा रहे हैं और क्या आगे की आपकी रणनीति चल रही है? सबसे पहले तो मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ प्रति कृतज्ञता स्थापित करता हूँ कि इस विपदा की घड़ी में जब हमारी सत्ता विपक्ष दोनों हमारे खिलाफ थे, ऐसी स्थिति में हमारा ब्राह्मण समुदाय हमारे साथ खड़ा है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। रही बात जो हमारे साथ इतनी बड़ी राज शासन के साथ के तत्वावधान में कार्यवाही की गई, ये अचानक अकस्मात सुनियोजित ढंग से कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता द्वारा और उसमें कुछ बड़े नेता मिलके ये सुनियोजित ढंग से वायरल किए। चुनाव के ठीक पहले 3 साल पहला पुराना वीडियो है, आप सबको मालूम है। लेकिन सरकार माननीय शिवराज सिंह जी ने इसको अचानक संज्ञान में लिया, जांच नहीं कराए, उस वीडियो की जांच करा लेते, यथार्थ पता कर लेते, इसके बाद कार्यवाही करते। अब इतनी बड़ी कार्यवाही 4 तारीख को वायरल हुआ, 4 तारीख को उसके ऊपर STSC एक्ट लगा और STSC एक्ट लगने पर रात में कम से कम 500 फोर्स पूरे जिले के TI DSP एडिशनल SP मतलब पूरी तालिबानी कार्रवाई हमारे घर पर की। 8 बजे रात हम लोग को ले गए, इसके बाद फिर 8:30-9 लगभग हमारे घर में तलाशी हुई। बगैर महिला पुलिस के हमारे घर की महिलाओं को, 3 साल की बच्ची को हमारे घर से जबरन अपहरण पूर्वक पुलिस थाना ले गई। पूरी रात 4 बजे भोर तक बिठाए रही, 3 साल की बच्ची दूधमही दूध वगैरह तड़फ रही थी, इतनी प्रताड़ना किए, सिर्फ उस समय STSC एक्ट लगा था। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से कि क्या STSC एक्ट पर इतनी बड़ी कार्यवाही, जबकि वो उसका मुचलका थाने से होता है, NSA लगा पांच तारीख को, लेकिन रात में हमारे साथ इतनी बड़ी, किस धारा कानून CRPC एक्ट के तहत है कि महिलाओं को रात में घर से उठा के ले जाओ आप। इन दोनों मामले को लेकर हम कोर्ट में गए हैं। इस मामले को लेकर आप उच्च न्यायालय गए? हम उच्च न्यायालय में गए हैं, पिटीशन हमारी दायर हो गई है और हमारे पास न्यायालय के अलावा और कोई आधार नहीं। उन दो जो जो जिनका आप नाम ले रहे हैं, जिन्होंने ऐसा देखिए, आपको मालूम है कुबरी कांड, प्रवेश शुक्ला पेशाब कांड, जो कि तथाकथित कांड में कहूंगा उसके आरोप के अंदर प्रश्न ये है। हमारा जो मुख्य रूप से आने का एक प्रयोजन है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको जागृत किया जाए, क्योंकि उस दिन से बारंबार वही है, जब से ये कांड हुआ है तब से आज तक यहाँ के सांसद और यहाँ की विधायक दोनों लापता हैं। वास्तविकता ये है कि हम यहाँ पर उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आए हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की ओर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।